एवरीवन, विकास एंग दिस साइड। आई एम करंटली फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर। तो जब से आपका नया पैटर्न आया है तो आप दिक्कत में हो, आपके दिमाग में काफी सारे सवाल हैं। जैसे कि हमारे फिजिक्स में है, फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी सभी में ए और बी सेक्शन है। तो मैं यहाँ पर आपको फिजिक्स से समझाता हूँ। न्यू पैटर्न का आपको पता चल ही गया होगा, फिजिक्स में आपके दो सेक्शन होंगे, ए सेक्शन और बी सेक्शन। अब ए सेक्शन में क्या है, आपके 35 क्वेश्चन होंगे, आपको 35 ही करने हैं, इसके मैक्सिमम मार्क्स आपके 140 होंगे। बी सेक्शन में हमारे 15 क्वेश्चन होंगे, 10 हमें करने हैं, मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर कितने होंगे, 40 होंगे। तो देखो क्वेश्चन तो हमें 45 ही करने हैं अब भी, ओके, और मार्क्स हमारे मैक्सिमम 180 मार्क्स ही, ओके। तो यहाँ पर दिक्कत क्या आ रही है, आप लोगों को दिक्कत आ रही थी कि सर अभी ये जो 15 क्वेश्चन है इसमें से मैं अगर 15 के 15 कर दूँ तो क्या होगा, क्या मेरे बेस्ट 10 चूज किए जाएंगे, जो मेरे 10 सही हैं, और जो मेरे 5 गलत हैं या मेरे 13 सही हैं, तो क्या मेरे 10 बेस्ट चूज किए जाएंगे। तो यहाँ पर देखो ये सैंपल आया आपके ओएमआर का, पूरा सैंपल ये है। सैंपल में आपको अच्छे समझा देता हूँ कि आपका क्या पैटर्न रहने वाला है और इन 15 क्वेश्चंस को आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे आपको अटेम्प्ट करना है 15 क्वेश्चंस को। काफी बच्चे कह रहे हैं कि सर अगर मैं 15 के 15 क्वेश्चन कर दूं और मेरे क्या हो, काफी काफी अच्छे अच्छे डाउट आ रहे हैं तुम्हारे। काफी बच्चे ये भी कह रहे हैं कि सर मैं 15 के 15 क्वेश्चन कर दूं और मेरे क्या हो, 15 में से 12 सही हो जाए और 3 रॉन्ग हो जाए, तो क्या ये बेस्ट 10 लेकर इसमें से, बेस्ट 10 लेकर इसमें से क्या मुझे 40 आउट ऑफ 40 दे देंगे, ये भी तुम्हारे दिमाग में चल रहा है। तो देखो यहाँ पर क्या है कि जो ये नॉर्मल आपका है, ये सेक्शन ए का है, ये ओएमआर दिख रही है आपको, ये 1 to 35 तक आपका सेक्शन ए है, ठीक है। ये हमारा क्या है भाई, ये सेक्शन ए है, इसके में सारे क्वेश्चन करने हैं। ये जो 15 क्वेश्चन का आपका सेक्शन बी है, 36 to 40 50 तक, तो इसमें आपको 10 क्वेश्चन करने हैं। अभी कैसे कैसे कैलकुलेट होंगे हमारे, देख लेते हैं एक बार बड़े में। सबसे पहले सैंपल हमारा है, यहाँ पर सैंपल में देखो क्या क्या है, आपका स्टूडेंट नेम है, रोल नंबर भरना होगा, सेंटर कोड है, कैटेगरी भरनी है और मोबाइल नंबर भरना है। ये तो पर्टिकुलर है, ये तो भरी दोगे आप। अब देखो आप यहाँ पर इसमें देखो क्या है कि जो आपका 36 to 50 15 क्वेश्चन है ना, इसमें से आपको 10 करने हैं। अब आप कहोगे कि सर अगर मैं 36 to क्या करूँ, मैं 45 तक कर दूँ क्वेश्चन, जैसे कि तुमने क्वेश्चन कर दिए 36 to 45, ओके, या फिर तुमने सारे क्वेश्चन कर दिए, जैसे जैसे तुम कह रहे हो कि तुमने सारे क्वेश्चन कर दिए, तुमने 15 क्वेश्चन कर दिए, देखो क्या होगा, जो आपका ये रीडर होगा हमारा, ये किसको इंक्लूड करेगा यहाँ पर, आपका 36 to 45, ये जो फर्स्ट 10 क्वेश्चन है ना, इन्हीं को इंक्लूड करेगा, ये फर्स्ट 10 क्वेश्चन को इंक्लूड करेगा। 46 to 50 सही से कोई मतलब नहीं है, चाहे तुम्हारे गलत हो चाहे सही हो, सही होगा तो तुम्हें +4 नहीं देगा, गलत होगा तुम्हें -1 नहीं देगा, ठीक है, समझ पा रहे हो बात। अब देखो इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है सिंपल सा, हमारे पास क्या फायदा है भाई इसका, इसका फायदा यही, जैसे कि मुझे इसमें 1 मिनट, जैसे कि मुझे इसमें 36 क्वेश्चन आता है, फिर मैंने 36 के बाद 38 किया, 38 के बाद मैंने 40 किया, 40 के बाद मैंने 41 आता है, मुझे 42 आता था, 44 आता है, 45 आता है, 46 आता था, 47 में दिक्कत थी, 48 आता है, ओके। तो कितने क्वेश्चन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक मुझे 50 आता है। तो आपने देखो ये परफेक्ट 10 क्वेश्चन कर दिए, जिनमें आप श्योर थे कि 100% आपका यही आंसर होगा, बिल्कुल श्योर थे आप। तो देखो आपका कैसे रीड करेगा ये 36 को, ये आपका 36 पहला क्वेश्चन हो गया 15 में से, फिर जो आपका 38 वाला ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, 40 वाला तीसरा, फिर ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, तो ये ऐसे क्वेश्चन इंक्लूड करेगा फिर आपके, मतलब कि जो क्वेश्चन आपने छोड़ दिया है ये उसको स्किप करके दूसरे क्वेश्चन को काउंट कर लेगा। तो आपको 15 में से कितने क्वेश्चन करने हैं, 15 में से 10 क्वेश्चन करने हैं, और कैसे करने हैं वो समझ गए होगे तो वैसे करने हैं। तो भाई अब ज्यादा चिंता मत करो, पैटर्न वही है, सिलेबस वही है, सब कुछ वही है। ये तो हमारे लिए फायदे की बात है एक तरीके से, कि ये जो 15 क्वेश्चन आएंगे ना, ये वाले 15 क्वेश्चन, ये 15 क्वेश्चन और ये 15 क्वेश्चन, समझ पा रहे हो, ये 4 15 क्वेश्चन की जो सीरीज है इसमें से हमें 10 10 क्वेश्चन करने हैं, तो यहाँ पर हम 5 छोड़ सकते हैं, मतलब कि इनमें तुम्हारे +40 मार्क्स आने ही आने चाहिए, यहाँ पर कोई गलती हमारी होनी नहीं चाहिए भाई, बिल्कुल ठीक है ना, बाकी तो आपको सारे करने ही है। तो भाई पढ़ते रहो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यही है, पढ़ते रहो, सिलेबस वही है, सब कुछ वही है, घबराना नहीं है। और अब किसने प्रैक्टिस करते टाइम, जो 36 to 50 टाइप है इसमें हमें थोड़ा रैपिड करना होगा कि हम कौन कौन से क्वेश्चन कर सकते हैं, किसे हमें छोड़ना है, तो हमें यह भी सीखना होगा कि किस बात को हमें छोड़ना होता है, किस क्वेश्चन को हमें छोड़ना है। तो क्वेश्चन करने के साथ साथ हमें यार क्वेश्चन छोड़ने की कला भी सीखनी होगी भाई। ऑल दी बेस्ट, पढ़ते रहो, कोई ज्यादा पैटर्न वैटर्न चेंज नहीं हुआ है, सब ठीक है, अच्छा पढ़ोगे तो अच्छा स्कोर होगा।